हेलो प्यारी दर्शकों, टाइटैनिक के बारे में तो आपने बहुत पढ़ा और सुना होगा। हम फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं दर्शकों, बल्कि उस असली टाइटैनिक जहाज की बात कर रहे हैं जिस पर फिल्म बनी थी। दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटैनिक को डूबे 112 साल हो चुके हैं। जी हाँ दर्शकों, लोगों को पता है कि उसका मलबा कहाँ है, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से निकाला नहीं गया है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? नहीं ना? तो चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। प्यारे दर्शकों, एक और जानकारी है जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो आप सुनकर बहुत खुश भी हो जाएंगे। जी हाँ दर्शकों, यह हैरान करने वाली बात है, लेकिन बात यह है कि आपको जानकर यह हैरानी होगी, टाइटैनिक 2 बनने जा रही है। जी हाँ दर्शकों, हूबहू टाइटैनिक के तरह ही टाइटैनिक 2 बनने जा रही है, जिसकी डिटेल से हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा प्यारे दर्शकों। तो उससे पहले हम आपको बता दें, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस पॉडकास्ट चैनल, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और सबसे जरूरी बात, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। तो बिना देर किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं। देन लेट गेट स्टार्टेड। टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई टाइटन पनडुब्बी कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। जी हाँ दर्शकों, इसमें 5 लोग सवार थे जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इससे एक बार उसे देखने के लिए लोगों को ले जाया जा रहा है, जबकि कुछ लोगों ने इस तरह के ट्रैवल की तुलना सुसाइड मिशन से की है। जिस टाइटैनिक हादसे की चर्चा बीते 112 साल से की जा रही है, 269 मीटर थी और ये स्टील से बना हुआ था। इस पर करीब 3300 लोगों के ठहरने की सुविधा भी थी दर्शकों, जिसमें चालक दल और यात्री शामिल हैं। हालांकि जब ये ब्रिटेन से अमेरिका की तरफ जा रहा था, तभी अटलांटिक महासागर में रात के वक्त एक हादसे का शिकार हो गया, जिसने जहाज को कुछ घंटों में ही डुबो दिया। आज भी इसका मलबा वहीं पड़ा हुआ है, इसे निकाला नहीं जा सकता। तो प्यारे दर्शकों, अब आते हैं हम मेन टॉपिक पर, जो इस वीडियो का मेन मोटो है। जी हाँ दर्शकों, इस वीडियो का मेन मोटो जो है वो यह है कि एक ब्लू स्टार कंपनी जो है टाइटैनिक 2 को लॉन्च करने जा रही है। जी हाँ दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं, और यह सत्य जानकारी है कि एक ब्लू स्टार कंपनी टाइटैनिक 2 लॉन्च करने जा रही है। आज तक के सबसे बड़े समुद्री हादसे के बारे में कौन नहीं जानता है दर्शकों। टाइटैनिक जहाज का वो पहला और आखिरी सफर था, जब वह एक आइसबर्ग से टकराकर 15 अप्रैल 1912 को समुद्र में डूब गया था। कहा जाता था कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता था, लेकिन फिर भी यह अपने पहले सफर में ही पानी में डूब गया। दुर्घटना के समय जहाज पर 2200 लोग सवार थे। इस हादसे में करीब 1500 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतिहास में दर्ज हो चुके इस भयानक हादसे को आज तक भी लोग नहीं भुला सके हैं। आज तक इसका मलबा भी समंदर की गहराई से नहीं निकाला जा सका है। 112 साल पहले हुए हादसे में डूबे टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी समंदर में 12,000 फीट की गहराई में है दर्शकों। टाइटैनिक जहाज के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए आज भी इसको याद किया जाता है। ऐसे में एक कंपनी ने इसका रेप्लिका बनाया है। जी हाँ दर्शकों, जिसे नाम टाइटैनिक 2 नाम दिया गया है। जी हाँ दर्शकों, आप सही सुन रहे हैं, रेप्लिका बनाया है जिसे टाइटैनिक 2 नाम दिया गया है। प्यारे दर्शकों, ऑस्ट्रेलियाई माइनिंग बिलियनर क्लिव पामर की कंपनी ब्लू स्टार लाइन ने टाइटैनिक का रेप्लिका तैयार कर लिया है, जो समुद्र में उतरने के लिए तैयार है। यह जहाज हूबहू टाइटैनिक जैसा बनाया गया है, जिसे देखने के बाद हर कोई यही कहेगा कि यह असली टाइटैनिक है। प्यारे दर्शकों, लेकिन इस रेप्लिका में इस बात का खास ध्यान रखा गया है
कि इसमें पुराने टाइटैनिक वाली गलतियां नहीं दोहराई गई हैं। इस रेप्लिका को टाइटैनिक 2 नाम दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लिफ पामर द्वारा 30 अप्रैल 2012 में ही टाइटैनिक 2 को बनाने की घोषणा की गई थी। इस जहाज को बिल्कुल पहले वाले टाइटैनिक की तरह ही डिजाइन किया गया है। खास बात इसमें यह है कि इस शिप को भी उसी रूट पर चलाया जाएगा। है ना हैरान करने वाली बातें दर्शकों, हूबहू टाइटैनिक 2 टाइटैनिक की तरह ही दिखेगा और उसी रूट में इसे चलाया जाएगा जिसमें टाइटैनिक ने अपना, जी हाँ दर्शकों, जिसमें टाइटैनिक ने अपना पहला और आखिरी सफर तय किया था। असल में ब्लू स्टार कंपनी ने साल 2016 में इस शिप के लॉन्च की घोषणा की थी, लेकिन किसी कारणवश यह प्लान पोस्टपोन हो गया था। इसके बाद साल 2018 में इसे लॉन्च करने की बात सामने आई जो पूरा नहीं हो सका। फिर साल 2022 में घोषणा की गई कि इसे लॉन्च किया जाएगा, लेकिन पैसों से जुड़े कुछ डिस्ट्यूब की वजह से इसकी लॉन्चिंग एक बार फिर डिले हो गई। वर्ल्ड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इसके लॉन्चिंग की कोई नई डेट सामने नहीं आई है। चाहे दर्शकों, एक रिपोर्ट में बताया गया है कि टाइटैनिक 2 जहाज को पहले वाले टाइटैनिक को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ब्लू स्टार लाइन ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि जहाज का इंटीरियर पूरी तरह पुराने जहाज जैसी ही रहे। जहाज के अंदर लकड़ी की सीढ़ियां और फर्नीचर बिल्कुल पहले जैसा ही बनाया गया है। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि अगले साल तक टाइटैनिक 2 पानी में उतार दी जाएगी। प्यारे दर्शकों, टाइटैनिक 2 के बारे में सुनकर कई लोग इसके लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लोग इस जहाज पर सवार होकर पुराने टाइटैनिक को फील करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर लोगों का एक बड़ा समूह इसकी आलोचना कर रहा है। लोगों का कहना है कि यह क्लिफ पामर का पब्लिसिटी स्टंट है। प्यारे दर्शकों, दरअसल अमेरिका के टाइटैनिक इंटरनेशनल सोसाइटी के प्रेसिडेंट चार्ल्स हास का कहना है कि यह पुराने जख्मों को रिक्रिएट करने का काम कर रहा है, जो बेहद गलत है। प्यारे दर्शकों, टाइटैनिक जहाज आज की तारीख में शायद ही कोई होगा जिसने इस जहाज और इसकी दुर्घटना के बारे में ना सुना हो। किसी से यह दुर्घटना की जानकारी नहीं छुपी हुई है। जी हाँ, ये ब्रिटिश लाइनर जहाज 15 अप्रैल 1912 में डूब गया था। कहा जाता था कि ये जहाज कभी पानी में नहीं डूब सकता, लेकिन फिर भी पहली ही बार में वह डूब गया। घटना के वक्त इसमें 2200 लोग सवार थे। हादसे में 1500 लोगों की मौत हो गई थी। इसे आज तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा कहा जाता है। इसका मलबा अब तक समंदर की गहराई में डूबा हुआ है, जिसे घटना के 112 साल बाद भी वापस नहीं निकाला जा सका है, क्योंकि यह समंदर में 12,000 फीट की गहराई में है। कई तरीके अपनाए गए, लेकिन हर बार प्लान फ्लॉप ही साबित हुआ। लोगों की इस जहाज के साथ इतनी भावनाएं जुड़ी हैं कि आज भी टाइटैनिक को याद किया जाता है। इसी क्रम में एक कंपनी ने तो इसका रेप्लिका का तक बना डाला, जो कि समुद्र में उतरने के लिए तैयार है। यह हूबहू टाइटैनिक जैसा है। कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह टाइटैनिक की कॉपी नहीं है। सभी इसे देखकर यही कहेंगे कि यह असली टाइटैनिक है। मगर हाँ, इस रेप्लिका में पुराने वाले टाइटैनिक की गलतियां दोहराई नहीं गई है। 112 सालों के बाद भी दुनिया ने टाइटैनिक पार्ट 2 देखा। दरअसल समुद्र की गहराई में समाये टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई पनडुब्बी टाइटन में सभी सवारों की मौत हो गई है। ये कहानी भी टाइटैनिक के डूबने जैसी ही दर्दनाक है। जी हाँ प्यारे दर्शकों, क्या आप उसी तरह के जहाज में सफर करना चाहेंगे तो भयंकर हादसे का शिकार हुआ हो और जिसमें 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हों? प्यारे दर्शकों, कभी दुनिया का सबसे विशाल जहाज रहा टाइटैनिक सैकड़ों साल पहले विशाल हिमखंड से टकरा कर दो हिस्सों में टूट गया था, जो किसी से नहीं छुपा हुआ है। 2.5 घंटे बाद जहाज अटलांटिक महासागर में डूब जाता है।
इस हादसे में 1500 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चों की मौत हुई थी। 1912 में यह जहाज ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क जा रहा था। इतिहास के पन्नों में दर्ज इस हादसे के ठीक 112 साल बाद, जी हाँ प्यारे दर्शकों, टाइटैनिक 2 फिर से समुद्र की लहरों से टकराएगा। जब यह जहाज पानी में उतरेगा तो पुराने टाइटैनिक की याद दिलाएगा। एक खबर के मुताबिक टाइटैनिक 2 उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर टाइटैनिक 1 हादसे का शिकार हुआ था। इतना ही नहीं, इस जहाज में भी उतने ही यात्री होंगे जितने कि पहले वाले जहाज में थे। टाइटैनिक में 2400 यात्री और 900 चालक दल के सदस्य थे। हादसे में सबक लेते हुए टाइटैनिक 2 को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इसमें आधुनिक नेविगेशन और रडार उपकरण लगे होंगे जिसमें संभावित हिमखंडों को पहले से ही देखा जा सके। पहले के जहाज की तुलना में अधिक लाइफ बोट होंगी। 1912 में टाइटैनिक हिमखंड से टकराने के बाद ही 2 हिस्सों में बट गया था। नया जहाज टाइटैनिक द्वितीय का निर्माण ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ब्लू स्टार लाइन द्वारा चीन में किया जा रहा है। इसका निर्माण लंबे समय तक वित्तीय विवाद में फंसा रहा। महत्वाकांक्षी परियोजना पर लगभग $500 मिलियन खर्च होगा। टाइटैनिक 2 पिछले वाले जहाज के मूल मार्ग पर चलते हुए दुबई से साउथहैम्पटन इंग्लैंड और उसके बाद साउथहैम्पटन न्यूयॉर्क मार्ग के माध्यम से न्यूयॉर्क शहर में अपनी 2 सप्ताह की पहली यात्रा शुरू करेगा। पहले वाले जहाज की ही तरह इसमें भी 3 तरह के टिकट होंगे जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणी होगी। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू की थी। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण इसकी स्पीड थी। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टानों की चेतावनियां मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आने पर जहाज मुड़ जाएगा, लेकिन जहाज बहुत बड़ा था और रडार छोटा। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया और चट्टान से जा टकराया। इससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गए और वह डूबने लगा। 2.5 घंटे में जहाज पूरी तरह डूब गया। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण में उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया। टाइटैनिक पर विलासिता की सारी सुविधाएं थी। स्विमिंग पूल, जिम, एक्सक्यूज कोर्ट, स्नानगृह और कैफे पहली श्रेणी के कमरों को महंगे फर्नीचर और अन्य सजावट से सजाया गया था। बिजली से चलने वाली 3 लिफ्ट थी। इस विशालकाय शिप को बनाने वाले थॉमस एंड्री को टाइटैनिक का असली हीरो माना जाता है। 7 फरवरी 1873 को जन्मे एंड्री बिजनेसमैन होने के साथ साथ शिप मेकर भी थे। थॉमस ने ही टाइटैनिक को डिजाइन किया था। 15 अप्रैल 1912 की रात जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया, तभी एंड्री समझ गए थे कि अब जहाज नहीं बचेगा। लेकिन उन्होंने खुद को बचाने की जगह लोगों की मदद की। कई सालों बाद जब अटलांटिक महासागर में खोज की गई तो टाइटैनिक समुद्र में 12,000 फीट की गहराई में मिला। प्यारे दर्शकों, तो आपको यह नई जानकारी आपको कैसी लगी? और आप यह भी बताएं कि क्या आपको यह टाइटैनिक 2 के बारे में पता था? प्यारे दर्शकों, यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है कि जिस टाइटैनिक के बारे में हम आज तक सुनते आ रहे हैं, उसी टाइटैनिक के हूबहू कॉपी बनने जा रही है, जिसका नाम है टाइटैनिक 2, और उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दिया है। तो प्यारे दर्शकों, कमेंट के माध्यम से अपनी राय हमसे जरूर साझा करें कि आपको हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा। जी हाँ दर्शकों, और लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग किया है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। प्यारे दर्शकों, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसा कि आप हमारे वीडियो में देखकर आप समझ पा रहे हैं, हम काफी रिसर्च करते हैं तब जाकर आपको हम सही जानकारी दे पाते हैं। प्यारे दर्शकों, इसके पीछे हमारी काफी मेहनत छुपी होती है। इसके बदले में हम कुछ नहीं चाहते हैं दर्शकों, हम फ्री में वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। बस
आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब बिल्कुल करें, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, जिससे हम अपना 100% एफर्ट्स लगाकर हम आपके लिए बेहतरीन वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो प्यारे दर्शकों, अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए लगातार ऐसे ही नई नई जानकारियां हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुखी रहें, स्वस्थ रहें।